एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा है कि अब रोटी पलटने का सही समय आ गया है। मुंबई के युवा मंथन कार्यक्रम में दिए गए शरद के इस बयान से सियासी हड़कंप मच गया है। शरद पवार ने कहा है कि किसी ने मुझे कहा है कि रोटी सही समय पर पलटनी होती है और अगर सही समय पर नहीं पलटी तो वो कड़वी हो जाती है। अब सही समय आ गया है रोटी पलटने का, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। पहले ही अडानी मुद्दे पर विपक्ष के जेपीसी जांच से उलट विचार रखने वाले शरद पवार के इस बयान के अब कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आज मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन किया जाने वाला है। शो से पहले शो के होस्ट और सुपरस्टार सलमान खान ने अवार्ड शूट की एक नई तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है। शेयर की गई तस्वीर में सलमान का स्वैग काफी दमदार लग रहा है। एक्टर ने इसके कैप्शन में लिखा, कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है। हालांकि इस मामले में ये सच नहीं है क्योंकि कल फिल्म फेयर अवार्ड्स है, बस अच्छे से ये हो जाए, दुआ करो क्योंकि दुआओं में है बड़ा दम। वंदे मातरम। भारतीय ओलंपिक संघ की प्रमुख और महान धावक पीटी उषा ने पहलवानों के प्रदर्शन पर निशाना साधा है। पीटी उषा ने कहा कि पहलवानों का सड़कों पर प्रदर्शन करना अनुशासनहीनता के बराबर है। इसके साथ ही वो बोली कि सड़कों पर प्रदर्शन से भारत की छवि खराब हो रही है। पीटी उषा के इस बयान पर पहलवान बजरंग पूनिया ने भी पलटवार करते हुए कहा कि हमें IOA की अध्यक्ष से ऐसी कठोर प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, बल्कि हम तो सोच रहे थे कि वो हमारे इस प्रदर्शन को समर्थन देंगी। एक्ट्रेस जिया खान आत्महत्या मामले में कल फैसला आ सकता है। इस मामले पर 10 साल बाद कल यानी 28 अप्रैल की सुबह 10:30 बजे CBI की विशेष अदालत फैसला सुनाने वाली है। बार और बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायाधीश AS सैयद ने 20 अप्रैल को मामले पर अंतिम दलीलें पूरी कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पंचोली परिवार के एक सदस्य ने खुलासा किया है कि सूरज पंचोली समेत हर कोई फैसले को लेकर चिंतित लेकिन सकारात्मक भी है।